सरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। बड़ी मुश्किल में पूर्व कांग्रेस मंत्री आशु विजिलेंस के पास पहुंची 18 शिकायतें। खुलासे के बाद भारत भूषण ने पब्लिक कार्यक्रमों से बनाई दूरी। पार्थ चटर्जी भुवनेश्वर एम्स से कोलकाता सीजीओ कार्यालय पहुंचे। 3 अगस्त तक ईडी करेगी पूछताछ। गुजरात के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। आईएफएससीए के मुख्यालय भवन में रखेंगे आधारशिला। जेडीयू बीजेपी में तनातनी बढ़ी। नीतीश कुमार के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण से दूरी। उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर हमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला ट्वीट। शहीदों के नाम कारगिल विजय दिवस पर दी श्रद्धांजलि। जोधपुर में पानी में बहने से कई लोगों की गई कारें बही। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी में बाढ़ से 7 की मौत। महबूबा मुफ्ती का पूर्व राष्ट्रपति कोविंद पर हमला। कहा ऐसी विरासत छोड़ गए जहां संविधान का पार कुचला गया। डरा रहा कोरोना। 14 दिन में पॉजिटिविटी रेट 2 गुना। 12 राज्यों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा। डब्ल्यूएचओ ने कहा 5% से ज्यादा दर चिंता की बात। सड़क पर कांग्रेसी। विजय चौक पर पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया। पायलट बोले आवाज कुचलने की कोशिश। ओम बिरला की चेतावनी। मेरी दरिया दिली को कमजोरी ना समझे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सांसदों से कहा सदन में ना दिखाएं पोस्टर। गुजरात में जहरीली शराब से अब तक 18 की मौत। 45 की हालत गंभीर। अहमदाबाद से हो रही थी केमिकल की सप्लाई। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का दावा। बीजेपी के कुछ नेताओं से बात करने के बाद उनके सभी कॉल डाइवर्ट किए गए। नितिन गडकरी बोले मन करता है राजनीति छोड़ दूं। कहा गांधी के समय पॉलिटिक्स विकास के लिए होती थी, अब इसका मकसद सिर्फ सत्ता। पार्थ चटर्जी से ममता ने किया किनारा। दीदी बोली गलती की है तो साथ नहीं देंगे, उम्र कैद भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में स्कूली बच्चों की वैन का एक्सीडेंट। बच्चे सुरक्षित। वैन से टकराए स्कूटी सवार की मौत। मेदांता अस्पताल की नर्स की हत्या। रेप की आशंका। गोल्ड सिटी के पास भागीरथी एनक्लेव के बेसमेंट में मिला शव। फटे थे कपड़े। मूसेवाला हत्याकांड में गोरखपुर कनेक्शन। लॉरेंस विश्नोई और गोल्ड बराड गैंग को मुंगेर का असलहा पहुंचाता था शशांक। बिजली गिरने से महिला और 3 किसानों की मौत। जल शक्ति मंत्री अस्पताल पहुंचे। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज मिला। लॉयंस क्लब के चेयरपर्सन जितेंद्र चौहान पहुंचे एटा। गृह जनपद में हुआ जोरदार स्वागत। कहा अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई। फतेहपुर में मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या। दबंगों के खेल।
बने पाइप से लगा था पानी, कार सवार से फटा तो टंडो से मारा। गोंडा में सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे पड़े हैं खराब, 57 कैमरों में से 54 कैमरे खराब, तिराहे चौराहे पर लगे सीसीटीवी दे रहे धोखा। चंदौली में फहराए जाएंगे 5.66 लाख तिरंगे, हर घर तिरंगा अभियान के लिए डीएम ने विभागों को दिया टारगेट, सरकारी बसों में भी लगाए झंडे। प्रयागराज में माया बिच्छू गैंग की बमबाजी, 22 दिनों में 6 बार हो चुकी है बमबाजी, छात्रों का 5 गैंग कर रहा वारदात। अयोध्या में दिखाई दिया तेंदुआ, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, बच्चों को लेकर एहतियात बरतने की अपील। अंबेडकर नगर में दबंगों ने बंद किया स्कूल का रास्ता, झाड़ियों और गड्ढों से स्कूल पहुंच रहे बच्चे, बच्चों और ग्रामीणों ने रास्ता खोलने की मांग की। फूलन की किडनैपिंग में शामिल डकैत की मौत, सांस की बीमारी से परेशान था, सैफई पीजीआई में तोड़ा दम, 24 साल बाद आया था पकड़ में। आगरा में होती है कारगिल शहीदों की पूजा, लायक सिंह की मूर्ति की सुबह शाम होती है आरती, धर्मवीर की मां भी करती है बेटे की पूजा। प्रयागराज में आकाशीय बिजली से 6 की मौत, मृतकों में 5 महिलाएं शामिल, 11 झुलसने से लोग। ललितपुर में शताब्दी ट्रेन पर चले पत्थर, एसी कोच का टूटा शीशा, टीसी की सूचना पर आरपीएफ जुटी जांच में, दिल्ली जा रही थी ट्रेन। बारिश होते ही टपकने लगती है स्वास्थ्य केंद्र की छत, पानी पानी हो जाता है पूरा अस्पताल, सालों से दुर्दशा झेल रहे हैं तैनात स्वास्थ्य कर्मी। औघड़नाथ मंदिर में शिवरात्रि के लिए सजा मेला, टैटू से लेकर ज्वेलरी कपड़े खिलौने की दुकानें और झूले आकर्षण का केंद्र बने। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, इटावा में दंपत्ति की मौत, 1 महिला घायल, 1 बाइक पर सवार थे 4 लोग। भदोही जेल में बंद चिकित्सक को जारी कर दिया वेतन, शिकायत के बाद सीएमओ ने दिए जांच के निर्देश, पत्नी से विवाद को लेकर गया था जेल। प्रयागराज जंक्शन में प्लेटफॉर्म पर पढ़ी गई नमाज, नमाज पढ़ने और उसी समय कांवड़ियों का भजन करने का वीडियो भी आया सामने। पैसों के लिए दिव्यांग का बैसाखी संग डांस, सावन के मेले में नाचा, लोगों ने पैसे दिए तो घंटों दिखाया डांस। सवारियों से लूटपाट करने वाला गैंग को पुलिस ने दबोचा, यात्रियों को लिफ्ट देने के बहाने करते थे लूट, 4 बदमाश गिरफ्तार। गंगा की लहरों पर कारगिल के शहीदों को सलाम, प्रयागराज के संगम पर छात्रों ने बनाया अनोखा सैंड आर्ट, पानी में तैरता दिख रहा है टैंक। कांच के टुकड़ों पर लेटकर कांवड़ यात्रा, हर 20 मीटर पर अर्धनग्न कांच पर लेटते हैं शिव भक्त, शरीर पर एक भी खरोच नहीं। बदायूं में नाग को बचाने कुएं में उतरा युवक, नाग को बाहर निकालकर पास में छोड़ा। मऊ पहुंचे प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, मेला लगाकर जरूरतमंद को बैंकों से बांटे गए ऋण, सरकारी स्कूल को लिया गोद।
रायबरेली हादसे में मां बेटी की मौत। आईटीआई बोर्ड पर स्कूटी को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर ट्रक छोड़कर भागा। सुल्तानपुर में ट्रक ने एआरटीओ के सिपाही ड्राइवर को रौंदा, मौके पर मौत। प्रवर्तन अधिकारी की गाड़ी को भी मारी टक्कर, बलिया हाईवे पर चेकिंग कर रहे थे। माँ बाप भतीजी के हत्यारे का कबूलनामा, बोला बड़े भाई का जिस खुलवाया था जिसमें मुझे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए इसलिए हथौड़े से मार डाला। बांके बिहारी मंदिर से बाल गोपाल लापता, फिरोजाबाद की महिला भक्त के थम नहीं रहे आंसू, अखबार में दिया गुमशुदगी का विज्ञापन। शामली में तेंदुए का कहर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, 12 से ज्यादा पशुओं को किया गया घायल, वन विभाग चला रहा सर्च अभियान। उत्तराखंड में देवभूमि के शिवालयों में उमड़ी भीड़, शिव के ससुराल में लगे हर हर महादेव के जयकारे। उत्तराखंड में संकल्प यात्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर कैबिनेट मंत्री ने उठाई कांवड़, पैदल यात्रा पर निकली। उत्तराखंड में बनेगा सख्त नकल रोधी कानून, पेपर लीक करने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ का खौफ, वन कर्मियों की पहरेदारी में गंतव्य को गए कांवड़िए। उत्तराखंड में भूस्खलन और कटाव से 163 मार्ग बंद, लमगांव मोटना रजाखेत मोटर मार्ग का हिस्सा बहा। हरिद्वार में कांवड़ियों के पार्किंग में खड़े 16 और 4 चलते वाहनों में लगी आग, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड में चारापत्ती विवाद में प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई आगे, बोली पहाड़ पर रहने वालों को पहाड़ी प्राकृतिक संपदाओं से वंचित कर रही है। उत्तराखंड में डराने लगे कोरोना के आंकड़े, अब हर पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंस। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने का किया अनुरोध। उत्तराखंड के रुद्रपुर में दो पक्षों में भारी बवाल, लाठी डंडों के साथ तड़तड़ाई गोलियां, खूब खून बहा, 12 लोग घायल। उत्तराखंड में सिपाही ने विधवा महिला से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, सिपाही के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड ऊर्जा निगम में भ्रष्टाचार, डिफॉल्टरों को दे दिया नया कनेक्शन, 3 एसडीओ समेत 6 अधिकारी दोष। उत्तराखंड में आ सकता है बड़ा भूकंप, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, बोले हिमालय में हो रहे बड़े बदलाव। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तेज बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी, टनकपुर चंपावत हाईवे बंद। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को होगी कैबिनेट बैठक, बैठक में लग सकती है 2 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर। श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय में 107 दिनों बाद कामकाज शुरू, सिंगापुर में राजपक्षे के खिलाफ शिकायत।
भारतीय सेना ने कांगो में विफल किया बड़ा हमला, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को लूटने आए थे हमलावर। बढ़ाए राजगद्दी की तरफ कदम, भारत ने लीबिया में आतंकवादी गतिविधियों के फिर से शुरू होने पर जताई चिंता, राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव पर दिया जोर। पाकिस्तान में पंजाब सीएम विवाद पर फुल बेंच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, हमजा कैबिनेट के 37 सदस्यों ने ली शपथ। कनाडा में शूट आउट, ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग में 2 की मौत, 2 घायल, पुलिस ने हमलावर को भी किया ढेर। यूएस पार्क में 4 दिन में दूसरी बार फायरिंग, लॉस एंजलिस में 2 की मौत, आयोवा में 6 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की गई जान। भारत को छोड़ ज्यादातर बड़े देशों पर पड़ेगी मंदी की मार, बाइडेन बोले हम मंदी के दौर में नहीं जा रहे। चीन के 1.5 करोड़ युवा बेरोजगार, सरकारी नीतियों के कारण कई संस्थानों में हुई छटनी। जंग को छठा माह शुरू, यूक्रेनी हमले में रूसी गोला बारूद के 50 डिपो नष्ट। एनर्जी में 5.59 लाख करोड़ निवेश करेंगे अडानी, बोले क्लीन एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है भारत। हीरो सुपर स्प्लेंडर के ब्लैक एडिशन का टीजर जारी, डिस्क और ड्रम 2 वेरिएंट में जल्द लॉन्च होगी। रुपया 12 पैसा मजबूत, 1 हफ्ते के शीर्ष पर, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से मिला समर्थन। बारह फर्जी कंपनियां चला रही थी, बंगाल के मंत्री की करीबी, अर्पिता ओडिशा और तमिलनाडु से जुड़े तार। यस बैंक डीएचएफएल मामले में सीबीआई ने अविनाश भोसले और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। पहली तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा 13% घटकर 7,765 करोड़ रुपया हुआ, राजस्व 18.6% बढ़ा। स्पाइस जेट के 48 विमानों की जांच में नहीं मिला कोई सुरक्षा उल्लंघन, तकनीकी खामियों पर बोली सरकार। ट्राई ने भोपाल समेत 4 शहरों में की 5G टेस्टिंग, चालू वित्त वर्ष में सेवाएं आरंभ होने के आसार। शिवायनु कम्युनिटी की नाराजगी, टोकन बंद करने पर भी नहीं मिल रहे रिवॉर्ड। सोलाना बेस्ड एनएफटी मेकर्स के लिए ओपन सी लेकर आई लॉन्च पैड, क्रिप्टो मार्केट में गिरावट का असर एनएफटी की सेल्स पर भी पड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को झटका, चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा चोट के चलते कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर। इंग्लैंड में फिर बरपा भारत के तूफानी गेंदबाज का कहर, काउंटी के दूसरे मैच में नवदीप सैनी ने 2 गेंदों पर लिए 2 विकेट।
युजवेंद्र चहल ने बताया कैसा था आखिरी ओवर का रोमांचक। कहा इतना प्रेशर तो शादी के समय नहीं था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले में राहुल द्रविड़ सर काफी परेशान हो रहे थे। श्रेयस अय्यर ने खोला ड्रेसिंग रूम के माहौल का राज। पाकिस्तान के उप कप्तान शादाब खान का अहंकार। कहा वर्ल्ड कप में भारत को हरा चुके अब खतरा नहीं। मास्टर कार्ड होगा बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर। भारत में होने वाली सभी घरेलू और इंटरनेशनल सीरीज के लिए पेटीएम की जगह लेगा मास्टर कार्ड। ओलंपिक मेडलिस्ट ने लगाया मेंटल हैरेसमेंट का आरोप। बॉक्सर लवलीना बोली मेडल दिलाने वाला कोच हटा दिया जाता है, गोल्ड कैसे जीतूंगी। शास्त्री ने खेले वर्ल्ड कप में मिली हार के राज। बोले पांड्या की कमी खली, मैं टॉप सिक्स में ऐसा खिलाड़ी चाहता था जो बॉलिंग कर सके। जयसूर्या की फिरकी में उलझे बाबर आजम, शॉट खेलते ही बिखर गई गिल्लियां, देखने लगे खुद स्टंप। पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद हसनैन की गेंद हवा में लहराई और फिर बल्लेबाज इस खास यॉर्कर को संभाल नहीं पाया और बोल्ड हो गया। एनिमल के सेट से लीक हुआ रणबीर कपूर का लुक, बदले हुए अवतार में नजर आए एक्टर। पटौदी हाउस में चल रही है शूटिंग। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का रैप अप। आलिया भट्ट ने चन्ना मेरिया सॉन्ग पर किया डांस, कहा टीम को गुडबाय। अदनान सामी के इंस्टाग्राम में वापसी। सिंगर ने अपने नए गाने अलविदा का मोशन टीजर शेयर किया, लिखा मेरा अलविदा कहने का तरीका। विकी कैट को जान से मारने की धमकी का मामला। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कैटरीना कैफ के सेट की सुरक्षा। लीगल ट्रबल में फंसे रणवीर सिंह, एक्टर के खिलाफ मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज। डार्लिंग्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची आलिया भट्ट, येलो बेल शेड्स ड्रेस में एक्ट्रेस ने छिपाया बेबी बम। शेट्टी ने प्रतीक सहजपाल को दी वार्निंग, खतरों के खिलाड़ी में बोले बिना किसी से पूछे सीधे एलिमिनेट कर दूंगा। आमिर खान ने चिरंजीवी से किया सवाल, गॉडफादर में मुझे नहीं सलमान खान को क्यों लिया, साउथ स्टार ने बताई वजह। रोहित शेट्टी ने खास अंदाज में अजय को दी बधाई, लिखा एक आदमी तीन नेशनल अवार्ड्स, मुबारक हो अजय देवगन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रजनीकांत को किया सम्मानित, सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं सुपरस्टार। बेटी ऐश्वर्या ने रिसीव किया पत्र। शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात